नमस्कार, आप सभी को स्वागत है सागर न्यूज चैनल पे। और मेरे साथ जुड़े हैं नाहम लिखिया जी। इस बार का 2024 में उन्होंने भी कंटेस्ट करने के लिए नॉमिनेशन फाइल उन्होंने भी किया जा रहा था। और उन्होंने लास्ट टाइम भी हमारे सागर न्यूज के द्वारा से उन्होंने कहा था कि हम भी कंटेस्ट करेंगे और सागाली पब्लिक के लिए हम कंटेस्ट करेंगे बोल के उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहा था। उसी का साथ उसके 3-4 दिन का बाद एक हमें वॉइस रिकॉर्डिंग मिलता है उनके रोने का। तो इसी चीज़ को लेके आज हम उनके पास पहुँचे हैं। क्या ये रोने का आवाज़ आपका है, ये जानने के लिए हम आए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको सागाली से स्वागत है सर। थैंक यू सागाली न्यूज़ को। एक वॉइस रिकॉर्डिंग हमको मिलता है, वो वॉइस रिकॉर्डिंग जो है क्या ये आपका है क्या? हाँ, जो रोने वाला वॉइस रिकॉर्डिंग है ना, वो मेरा है। और आपका पास एक बार मैंने पेपर कंटेस्ट करेगा बोलकर मैंने अरुणाचल चोरो इंडिया बाहर जाएगा बोलकर भी मैंने मीडिया में बोला था। ये सही है, मेरा है। सही है ना? तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग जो है मैं आप सभी को थोड़ा सा सुनना चाहूँगा। ये उनका वॉइस रिकॉर्डिंग जो ये है। ये उनका वॉइस रिकॉर्डिंग है। इसी की तरह इनको हम जो है मिलने के लिए आए हैं और मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आगे एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर, ये एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो है सोशल मीडिया पे जो है काफ़ी सर्कुलेट हुआ है, ये रोने का जो आपकी आवाज़ जो है रोने का। और ये एग्जैक्टली हुआ क्या था जो आपको ये रोना पड़ रहा है सर? ये तो बोलने पर बहुत लंबा बात है, लेकिन ये सही रोना मेरा है। तो मैंने वहाँ में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का पास मैंने पेपर लिया है, 4 को पेपर, 20 को नहीं लेकर 21 को मैंने 21 22 तक मैंने 4 पेपर ले आया था। उसका बाद लेने के बाद में मैं प्रिपेयर किया था, उसका बाद में तो 3 दिन या 4 दिन ऐसा मिस हो गया। होने के बाद में पेपर हम पूरा मेरा जो प्रॉपर्टी का मेरा जो कौन कौन किसका बैंक से कहीं से एनओसी पूरा एवरीथिंग लेके मैं रेडी में थे। रेडी होके मैंने पूरा 26 रात को 12 बजे 1 बजे तक मैं प्रिपेयर करके रेडी करके रख चुका था। रखने के बाद में मैं मेरा जो एजेंट है बोलकर एक लड़का आके मेरा को पेपर को वो जो ये एडवोकेट का पास और जो उसका लेबर जो साइन को लेने के लिए उस एडवोकेट का पास था, हम उसको भेजा। भेजने के बाद मैं यूपिया में कहीं कुन्नर में बैठा था, तो मेरा पीछे बहुत था उन लोग नाम को बहुत आप लोग मालूम होगा कि यूपिया 3 साल से लेकर यूपिया तक जिस पे तक हमको आदमी लोग चिन्हने के लिए कुछ करने के लिए बहुत रेडी में था, हम मालूम था। मैं उसका भी उसको पेपर लेने के लिए भेजा एडवोकेट का पास। भेजने के बाद में मैं उसको बुलाते रहा, जल्दी आओ। 10 बजे वहाँ बैठे रहा, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, आया नहीं तो 2 बज गया। मैंने घबराते हुए मैंने ये क्या बात है बोलकर मैं एक डाउट था। मेरा एक भाई का घर में वो जा रहा है बोला, हम उसको बोला मत जाओ उसका घर में मत जाओ कुछ। उसका आगे में खबर एक आया था कोई वो जो ओपिनियन पार्टी जो है ना बीजेपी का केंद्रित का कोई ग्रुप वहाँ पे है बोला। तो मैं उसको दावत में फोन करके बोला आप वहाँ से वकील से एडवोकेट से पेपर को लेके मेरा डायरेक्ट मेरा एड्रेस में यूपीआई में आ जाओ। यूपीआई नरची में बैठा था। तो भेजने के बाद में नहीं आया, आया बाद में हम जाके देखा तो वहाँ तक पहुँच गया तो 2:30 बजे तक उस नाहरौन का शिव मंदिर का शायद में तो जाके पहुँचा भाई घर घर में जाके पहुँचा। तो वहाँ मैं रहता तो ऋतु का 2 आदमी बैठा था, मेरा जो एलएस एजेंट बोलकर एक लड़का हो गोल तालिंग बोल हो बैठा था मेरा जो जिसको भेजा था। उसका बाद में ऐसा बैठा था, बैठने बाद में मैंने बोला उसको पेपर कहाँ है। मैं घबरा होते चार को बोला उसका बाद पेपर कहाँ है पूरा चिंचन किया। तो वो लड़का जो आके मेरा पैर में गिर गया। तो तब तक 2:30 बज गया, 2:40 हो गया तब तक।
तब तो जाके देखा तो मेरा पैर में गिर गया, गिर के हमको माफ मांगता है। तुम हमसे क्यों माफ मांगता है, क्या चीज में माफ मांगता है? पेपर को धोना देता ना, उसको हम एक लात मार दिया, उसका बाद में उसको एक टप्पर मार दिया, उसका बाद मेरा उसमें अचानक मेरा बेटा आया था और बोला पापा, बोला उसको भी एक टप्पर मार दिया, उसका लात मार दिया, उसका मेरे भाई को भी धक्का मार के वहाँ फेंक दिया, तो भाई को भी धक्का मार के फेंक दिया। ओ उसका बाद बाकी लोग दो लड़के भाग गया, दो लड़का भाग गया। तो भागने के बाद में मैं एडवोकेट के पास गया कंप्लेन लिखाने के लिए, तो एडवोकेट लिखते लिखते उसका बाद में 247 निमित्त हो गया। वो भाई पूछा है एडवोकेट साहब ने, कंप्लेन कौन है इलेक्शन तालीम उसको लिखना उस और कौन था? बोला मेरा एक बेटा था एक भाई था, तो दोनों सब फंसेगा। अभी आपका टाइम भी इधर 247 हो गया, पहुँचने के लिए आपका अभी 3 बजे पहुँचना है, लास्ट हो गया, पहुँचने टाइम हो गया, तो उसके बाद केस देगा भी, उन लोग भी फंसेगा। अब डिसीजन करो बोला, तो हम एकदम मेरा आँख कुछ रुकने वाला नहीं, तो रोने शुरू हो गया। मैं वहाँ रोने शुरू, एडवोकेट पूछो भी मेरा पास रोया, गलत काम किया है, हम मेरा इधर पेपर लेके गया, क्यों ऐसा करता है? वो रोने लगा, उसका रू रख के हम जाके उसका तंग तंग करके उस समय उसका गाड़ी को जहाँ देखा तो गौर हमने पड़ा हुआ था, वो गाड़ी को मारा, मारने नहीं दिया, लाठी घर जला, माचिस लेके हम लाइटर लेके घर जलाने की, घर अच्छी से कैसे जलता है, कच्चा घर जलाना था, डाउ को नहीं है, कुछ नहीं है, पत्थर भी ढूंढता है मिलता नहीं, जो पत्थर मिला तो पत्थर पीछे आगे को फूर दिया। उसका बाद रू रू के आधा मर हम बेहोश हो गया, बेहोश हो ही है, रुके तो हो सही बात में रुआया हुआ है, ये मेरा संदेश है। सर जैसे कि आप कंटेस्ट क्यों करना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो है प्रेजेंट MLA ने उन्होंने भी वहाँ से कंटेस्ट करना छोड़ दिया, और बहुत लोग ने वहाँ से कंटेस्ट में सोचा कि रोहतू को इस बार जो है चांस देना है, उसको अनुपोज कराना है, वो कि उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया। आपकी कंटेस्ट करना क्यों चाहता था? मेरा तो मैं कंटेस्ट करने के लिए मेरा को सिखाने वाला कंटेस्ट करो सिखा में 99 से नवम तुकी जी है, कंटेस्ट करो बोलकर सगाली पब्लिक है, कंटेस्ट करो बोलकर। उसका बाद में 94 में भी मैं किया था, फाइल किया था, करने के बाद में हो उसको भी उन लोग ऐसा मेरा पेपर को छिन छान करके ना, उस टाइम में भी मेरा पेपर को इसी अभी बोलता है ना, मैं नाम भी बोलता है और गुस्सा लगता है। तची अब्रहम तची तगी तारा, तुम दोनों ने हमको रहा तू कि तुम दोनों आयन कौन, हम उस समय में बोलो, तुम दोनों बोलो भगवान कसम लेके बोलो, मैं निक्या को हमने एक बीजी, हमको एक बीजी भी नहीं दिया, बतम भी तक भी नहीं दिया, हम 94 से बना हुआ है, तो 94 में तुकी को बनाया, 99 में कॉन्टेस्ट करते हैं, 4 में हम एकदम पब्लिक का लिए सेक्रीफाई करके चलो ऐसा में डेवलपमेंट करेगा बोलकर विद्रो करो बोला, हम विद्रो कर दिया। उसके बाद मैं कुछ भी अभी बोल नाम बता, पूछो जाके पूछो, तुम किस लिए दिया, सच में दिया नहीं, पूछो दोनों को, पूछो तीनों को पूछो, हम ऐसा अनकंडीशनल भी हमने विद्रो कर दिया। उसके बाद अभी का जो करना, अभी का फिलहाल जो 99 करना, मैं इसलिए मेरा एक निशा है, निशा है क्यों पब्लिक को ऐसा क्यों ये देखो 2004 में ये पब्लिक भूत नहीं मारा, और 2014 में भूत नहीं मारा, देखो 14 में भी 2004 इतना पब्लिक लोग भूत नहीं मार के आदमी मर गया, पब्लिक को भूत मारना है ना, डेमोक्रेसी रहते हैं ना, उसको कम से कम करने देना चाहिए। इसलिए क्योंकि क्यों अनकॉन्टेस्ट कराया, और दुमिन तादर क्यों अनलिस्ट कराया, विद्रो किया दुमिन तादर में बोला मैं क्लास ए क्लास एडमिशन कराया, 3-5-6 जाएगा बोला था मीडिया में, आप बोला आप सुना जो आप देखिए सुना होगा। उसका बाद में मैं अभी 1 टाइम से करा, 3-4 टाइम में करेगा तरह हार बोला था। उसका उस दिन मैं ऊपर हम बोला कि पब्लिक को क्यों ऐसा विक्टिम करेगा, हम जैसे भी हो हम पब्लिक का लिए हम हरना जुड़ना कोई बात नहीं, इसलिए हुआ कॉन्टेस्ट करो, कैंपिंग करो, पब्लिक सेक्टर में मीटिंग करो, हम ये करो वो सेक्टर में विलेज में जाके बोलो क्या कमियाँ है, वो मीटिंग करो, करने बाद उन लोग बताएगा आपको ये मेरा बस्ती में कम है, ये लाइट कम है, पानी कम है, अप्रोच कम है, स्कूल कम है ना, मीटिंग कम, तो बताने के बाद में तो MLA करना चाहिए, कॉन्टेस्ट होना चाहिए, ये करके हम किया था, जितना हमारा मेरा चिंता नहीं, ये करके मैं डेडिकेशन करके किया, हम जुटेगा हम जुटने वाला आते शिवन में, हमको भगवान ने दिया, हम सोचा दिया खुल गया मेरे लिए, मैं खुद प्रिपेयर किया कैसे ML तो हो गया, हमें मैं सोचा था तुकी का शैलेंद्र करनेवाल नाम निका कॉन्टेस्ट कर रहा है, मैं किया किस लिए, तुकी का बोतर हमको मिलेगा, कौन से बोतर हमको मिलेगा, नावम बोतर हमको मिलेगा, तराहारी का बोतर हमको मिलेगा,
और तदुन कादर हमको बहुत मोतर मिलेगा और नाभम का बोतर है, वो बोला खुद बोला नाभम का बोतर भी मिलेगा उसके बाद में नानती एशिया भी बोला ना एशिया बोतर मिलेगा। मैं 101 मेरा कॉम्पिटेंस था, मैं जूते का बोलर किया, मैं बिजनेस में नहीं किया। देखो ये वो क्यों मेरा आगे रास्ता में जाके मेरा रास्ता में क्यों मेरा को कत्ल किया, कत्ल किया। ऐसा तो नहीं कि आप बीच में जाके कंप्रोमाइज आप दोनों का लेना देना तो नहीं हुआ ना ऐसा तो? अरे ऐसा बोलने से अभी भी उल्टा ना वो जगह में हुआ, 3:30 बजे तक हम रोते रहा ना, मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा। मेरा साथ में आया था ऋतु का प्रति आया था, आप बोलता तो पुरोल आया था, दवा लोम लोग आया था, 5 करोड़ भी देगा कुछ ही देगा जो भी बोलेगा। हम उसको बोला समय मिला, देखो बात मत करो, आप करता है तो ललम को बोलो दवा ललम तालम ललम को पूछो। हम बोला मैंने डिमांड किया अरुणाचल में नहीं बैठे, इंडिया नहीं बैठेगा, विड्रो करेगा तो बाहर कंट्री जाएगा बोला। मैं देखो मैं विड्रो नहीं किया, अब कोई को मजाक बना कर रखा, मैं विड्रो नहीं किया, मेरा पेपर को वहाँ में चूर किया, बदमाश किया, वहाँ में छुपा के को लेके चला गया। ऐसा बात में हम विड्रो नहीं क्यों, ऐसा हमको ये करता है मजाक करता है, मजाक भी मत करो ना। अगर हम विड्रो करते तो हम चलना है हम इंडिया जाएगा बाहर बोल सकता था, हमने किया, हम पायल नहीं करने नहीं दिया, तो अभी मैं क्या करूँ। मैं अकेला अभी सोचो आप सोचो, मैं सिर्फ झगड़ा करना था, लड़ाई करना था, मरना था, पीटना, वही हम जो करना कर लिया। ठीक है सर, जो बारे क्लिप जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हुआ था, तो इसी के सिलसिला में आज उनको मिलने के लिए आए हैं और उनके हम सच्चाई चीज़ को हम जानने के लिए उनके पास आए हैं नाभम लिखे सर के साथ, और हम उनसे जानने की कोशिश किए हैं कि उनका क्लिप्स जो ऑडियो क्लिप्स जो है क्या आपका है क्या। इसी के तरह हम उनको मिलने के लिए आए हैं, आप देखते रहे सागर न्यूज़ पर और बने रहे सागर पर, और इसी तरह मैं आपको न्यूज़ को पहुंचाते रहूँगा। थैंक यू।